नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग? तो भाई हम ज्योमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और ये सारे ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ज्योमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आप ये जो मैंने बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज बताई है, इसकी 5 से क्लासेज ली, आप इन क्लासेज को जरूर देखें। और पहले भी मैंने क्वाड्रिलेटरल और सर्कल वगैरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, तो आपकी ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से यूज करना सीख जाओगे। बहुत जबरदस्त क्लास है, आप इसलिए इन सारी क्लासेज को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो भाई चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते जाइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो देखना भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन है क्या कि इफ ट्रेंगल एबीसी एंड बीटीई आर इक्विलेटरल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, किसी ने इसका आंसर मुझे नहीं बताया, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। आर इक्विलेटरल देन फाइंड एक्स, तो आप मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मुझे एक बात बताओ भाई, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रेंगल है। मान लीजिए कि मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, ठीक है, और इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया या फिर बीटा मान लिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। इसने साफ साफ कह रखा है कि बीटीई और जो एबीसी है ना, वो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको एक बात समझ आई कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा एंगल इस एबीसी ट्रायंगल का, देखो एबीसी भी तो इक्विलेटरल है ना आपके सामने, तो एबीसी के भी तीनों एंगल 60 60 है। तो ये पूरा एंगल 60 है, जिसमें से ये थीटा है ये बीटा है। अब मुझे पता है कि ये भी इक्विलेटरल है, यानी ये भी पूरा एंगल 60 है। तो मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ कि पूरा एंगल 60 है जिसमें से एक बीटा, हमें पता है कि बीटा प्लस थीटा दोनों 60 है, तो ये बीटा आ गया, तो मुझे बताना 60 बनाने के लिए ये एंगल कितना रहा होगा। तो आप क्या बोलेंगे, ये थीटा रहा होगा। आई मेरी बात समझ? अब हमें एक बात का पता है, भी ये इक्विलेटरल है तो इसकी सारी साइडें बराबर है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल है। और तीनों एंगल भी कितने हैं भाई बताना, तो आप क्या बोलेंगे कि तीनों एंगल भी 60 60 डिग्री के, ये भी 60 है, ये भी बाकी भी 60 60 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात का ये भी पता है कि यहां पर जो ट्रेंगल बना हुआ ना एबीसी, इसकी भी तीनों साइडें बराबर है, ये वाली और ये वाली, ये भी तीनों साइडें इसकी क्या है भी बराबर है। सही बोलने लग रहा हूं? आप मुझे एक बात बताओ, आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये तीनों साइड इस ट्रेंगल की बराबर है। आप यहाँ पे एक ट्रेंगल देखिए, ट्रेंगल ए, और बाद में आप ट्रेंगल देखिए ए ई और बी, ट्रेंगल ए ई बी, और एक ट्रेंगल देखिए ट्रेंगल टी बी और सी। आपके सामने दो ट्रेंगल आपको नजर आ रहे होंगे, ट्रेंगल ये वाला ए ई बी ये ट्रेंगल, और एक बी टी ई ये ट्रेंगल। ये दो ट्रेंगल आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, और आप ध्यान से देखो ना, तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये साइड और एंगल बीच में थीटा, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, सेम इसी तरीके से साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनकी दो साइडें बराबर हैं और उनके बीच वाला एंगल भी बराबर है, थीटा थीटा। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, मुझे तो इतनी सी बात बता दो। अब बोलेंगे बिल्कुल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो मुझे बताना कि ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन, इसके सामने पूरा एंगल देखो, यहाँ पे इस ट्रायंगल में इसके सामने एंगल 5x है, तो यहाँ भी इस वाली लाइन के सामने इस ट्रायंगल में एंगल कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, ये भी 5x होगा। तो आप जैसे ही इस एंगल को देखेंगे तो कितना होगा भाई, 2x प्लस 60, और वो किसके इक्वल आ गया, 5x के। तो यहाँ से जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताना। तो आप क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 20 3x = 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, काफी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप ये क्लासेस जरूर लें, आपके सारे जो डाउट्स वगैरह हैं सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। एक ये क्वेश्चन देखना भाई, ये बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको शायद समझ आ जाए, क्योंकि मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस, देखो एपी इक्वल टू इसने दे रखा है बीसी, एपी और बीसी इक्वल दे रखा है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी कहीं ना कहीं जरूर लगेगी, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे ना, अच्छे से अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। इस पर मैंने बहुत सी क्लासेस ली हैं इस तरीके के क्वेश्चंस की, यही 4-5 क्लास में से एक दो क्लास इसी पे आधारित थी। तो आप इन क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना जरा, ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि DE इक्वल टू 5, यानी DE की वैल्यू आपको दे रखी है 5, और BC इक्वल टू 12, यानी BC दिया हुआ है 12।
अब देखो ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये भी अल्फा दिया। आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, जब भी ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा इस तरीके से इसने दे दिया तो हमें एक पॉइंट पता चला कि दोनों एंगल अल्फा यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। बताओ जरा पैरेलल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे अल्फा बना हुआ है, यहाँ पे अल्फा बना हुआ है, तो ये तो पैरेलल लाइन में बनता है। तो आपको ये छोटा सा पॉइंट अगर समझ आया ना कि पैरेलल है, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री 12, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन बड़ा आसान है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं पर भी ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, मुझे बताओ ये एंगल 90 तो इधर भी कितना बनेगा भाई? आप बोलेंगे 90 बनेगा। आप इस ट्रेंगल को, इस लाइन को मैं पी नाम दे देता हूं। आप ध्यान से देखो ना, तो आपके पास में एक ट्रेंगल है बीसीपी। ध्यान से देखो तो आपके पास में एक बीसीपी ट्रेंगल है। आप मुझे एक बात बताओ भी, इस बीसीपी ट्रेंगल में एक कोई भी ट्रेंगल हो, देखो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत बार बताया आइसोसेलस ट्रेंगल का, कि कोई भी एक ट्रेंगल है उसमें अगर आप सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं और अगर वो इसको थीटा थीटा इक्वल एंगल में बांटता है और सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला और इक्वल एंगल में बांटा, तो श्योर है कि वो आइसोसेलस ट्रेंगल है। इतना श्योर हो गया कि वो क्या है भाई? आइसोसेलस ट्रेंगल है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? मतलब ये दोनों साइडें भी बराबर हैं इसकी। ये बात पता नहीं कितनी बार मैंने आप लोगों को बताई है। तो मुझे एक बात बताओ, इस बी सी पी ट्रेंगल में आपने इस सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तो जैसे ही आपने परपेंडिकुलर डाला तो देखो एंगल भी इक्वल बाट में कट कर रहा है, यानी आइसोसेलस ट्रेंगल हो गया। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो है कि ये दोनों साइडें भी क्या होगी भाई? बराबर होगी, क्योंकि इसको भी क्या करेगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये बात मैंने आपको कितनी बार बताई है पता नहीं, ठीक है? तो आपको ये बात समझ आई, यानी आपके पास PC की वैल्यू भी 12 आ गई क्योंकि BC इक्वल टू 12 था। आगे देखना भाई, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ध्यान से देखो, आपको AC की वैल्यू पूछी थी, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, अभी हमें पता चला था इस बात का। तो क्योंकि ये अल्फा अल्फा है, तो ये इधर क्या कर रहा है भाई? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है, तो इधर भी ये 1:1 का रेशियो है, तो मुझे बताना इधर भी कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? इधर भी 1:1 का, यानी पूरी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। तो आप कहेंगे कि ये 2 है, मतलब ये इधर वाली लाइन 1 और पूरी 2, तो ये भी रेशियो क्या होगा? 1:2 का। मतलब ये DE अगर 1 आएगी तो 2 आएगी। मिड पॉइंट थ्योरम, इस पे तो मैंने बहुत बताया सिमिलरिटी में, पता नहीं ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ा तो कितनी बातें आप लोगों को बताई, सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए। तो यहाँ पे 1 के इक्वल टू 5 दे रखा, तो मुझे बताना इस 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो डबल हो जाएगा 10। तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप क्या बोलेंगे? 10 + 12, यानी कितनी आ गई भाई? 22। देखो कितना ईजी और कितना गजब का क्वेश्चन था, ठीक है? आप बातों को समझोगे ना तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि काफी इजी होते हैं, लेकिन जो कैलकुलेटिव कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैं भी करवाता हूँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे सीखने को मिलेंगे, लेकिन वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं होते। बल्कि इस तरीके के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजीली सोल्व होते हैं और ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा कमाल का क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कैसे, क्या लिखा अभी? AB इक्वल टू 10। चलो मैं लिख देता हूं AB इक्वल टू 10, ये वाले लाइन 10 दे रखी है आपको। चलिए आगे क्या दिया हुआ? BC इक्वल टू कितना दिया हुआ? 8 और PB 1 है और BC 8 है, यानी पूरी 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। सही बोलने लग रहा हूं। और ये मिड पॉइंट है, यहां पे परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो भाई, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ठीक है? और ये इस पे परपेंडिकुलर है। मैंने किया क्या, मुझे एक बात का पता चला कि अगर ये मिड पॉइंट है, आपको पूछा क्या, मुझे MP की वैल्यू बताओ, इस MP की वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या देखा कि मिड पॉइंट है इसके और यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर, मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी भाई, यहां से इस तरीके की लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे कितना बनाए? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना था भाई? तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल था, तो इधर भी कितना बनाए भाई? 90 डिग्री। अब आपको एक बात पता चली होगी कि ये दोनों लाइनें क्या हो गई भाई? पैरेलल हो गई, क्योंकि 90-90 एंगल है। सही बोलने लग रहा हूं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। अब मुझे बताओ, पैरेलल हो गई तो इधर रेशियो कितना है? 1:1। तो यहां पे भी इस लाइन को भी किस में कट करेगी भाई? 1, और यहां पे भी किस में कट करेगी? 1:1 के रेशियो में। यानी कि आपका सीपी अगर 7 है ना, तो पीबी भी, पी से लेकर ये मान लीजिए पॉइंट डी है, तो पीडी भी कितना आएगा? 7 आएगा। मतलब ये वाली लाइन और ये पूरी लाइन, ये दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल होगी तो इक्वल पार्ट में कट करेगी। अब ध्यान से देखने की, समझने की कोशिश करना भाई इस क्वेश्चन को।
आप मुझे बताओ ये लाइन पूरी सेवन दे रखी है आपको, सीपी तो ये भी सेवन होगी, वन है तो बस कितने गए, सिक्स, सही बोलने लग रहा हूँ, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 10 आ गया और ये 6 आ गया, तो मुझे एक बात तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाएंगे कितना आ गया, 8 आ गया। अब तो आपका वही क्वेश्चन बन गया जो अभी था, ये वाली लाइन वन है, ये वन है तो ये टू बन जाएगी, यानी इनका रेशियो भी वन और टू का रेशियो आएगा, और आपको टू इक्वल टू 8 दिया हुआ तो बताना है वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, यानी आपके पास एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये इसका हाफ हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो सारी बातें आप लोगों की अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना और आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना कि यहाँ पे मैं राइट एंगल बनाऊँ या फिर यहाँ पे मैं राइट एंगल बनाऊँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप चाहते तो ये यहाँ पे भी राइट एंगल बना सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी आप राइट एंगल बना, उससे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं सोल्व करने के, लेकिन आपके जो माइंड में जो लॉजिक क्लिक करता है वही आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बड़ा कमाल का क्वेश्चन था, तो अगला क्वेश्चन देखना भाई, और बहुत आसान भी है। ये देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्कल का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। देखना क्या कह रहा है कि बी डी इक्वल टू 12, सबसे पहले मैंने बी से लेकर डी को मिला दिया भाई, बी डी इसने कह रखा है कि 12 है, चलिए भाई बी डी को मैंने मिला दिया, बी डी 12 हो गया, बहुत बढ़िया। ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब जाहिर सी बात है ये भी 90 है, यहाँ वाला भी ये भी 90 है, और ए एम इक्वल टू 8, ए से लेकर एम तक 8 दे रखा है, चलिए इसको बाद में लिखें, बी डी 12 है, ए डी ये 8 है, और आगे क्या लिखा अभी यहाँ पर, एंगल सी बी डी, सी बी डी कहाँ पे है, सी बी और डी, ये सी बी डी मान लीजिए कुछ भी, ये एम ए बी के बराबर है, मान लीजिए थीटा है तो ये एम ए बी यानी थीटा के बराबर है, मेरी बात समझ पाए क्या कह रहा है कि ये थीटा थीटा के बराबर है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगी, सही बोलने लग रहा हूँ, ये लाइन इसके बराबर हो जाएगी, और ये 90 डिग्री एंगल है। ध्यान से देखो मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि जब भी कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है और आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो अगर ये दोनों लाइनें बराबर है ना तो ये भी इसके बराबर होगी, ये बात पता नहीं कितनी बार बताई है। देखो कैसे, ये भी समझ लो, मान लीजिए ये एंगल थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया, तो मुझे बताना ये एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 था, और ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा, यानी ये दोनों लाइनें भी क्या हो जाएगी बराबर। ये बात मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है राइट एंगल वाली, कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको जहां भी कहीं मिल जाए ना, राइट एंगल ट्रायंगल अगर उसका राइट एंगल और यहां से इस तरीके से लाइन मिला रही है दोनों बराबर है तो तीसरी भी इसके इक्वल होगी, ये बात मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे आना, आप देखें मुझे बताओ ये दोनों बराबर तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी, सही बोलने लग रहा हूँ भाई, बिल्कुल, देखो ये थीटा थीटा था तो ये भी बराबर हो गई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, मुझे एक बात बता दो आप कि ये जो बी से लेकर डी तक थी वो पूरी लाइन कितनी थी भी, तो आप कहेंगे 12 थी पूरी लाइन, तो मैंने इसको 12 देखा बी डी, और ये दोनों बराबर पार्ट में कट हो गया, यानी जैसे ही ये इक्वल पार्ट में कट हुआ तो मुझे बताना कितना कितना हो गया, ये वाली भी लेंथ 6 हो गई और ये भी 6 हो गई, और ये भी कितनी हो गई 6 हो गई, सही बोल रहे हैं। अगर आपसे क्या पूछा था, आपसे ए एन की वैल्यू पूछी थी, अब मुझे एक बात बताओ ए एम कितना था, तो आप कहेंगे ए से लेकर एम तक ये पूरी लेंथ 8 थी, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक 6 होगी तो बची कितनी 2, सही बोलने लग रहा हूँ। अब मैं ए एन को अक्ष मान लेता हूँ क्योंकि आपको ए एन की वैल्यू पूछी थी। आप ध्यान से देखो इस सर्कल में ये दो लाइन इस तरीके से दो कोड एक दूसरे को कट कर रही है, और जब भी कोई दो कोड एक दूसरे को कट करती है तो यहां से लेकर यहां तक का और इसका मल्टीप्लाई और इससे लेकर इसका और इसका मल्टीप्लाई इक्वल होता है, बात कितनी बार बताया मैंने, सर्कल वाली इस तरीके से अगर कट कर रही है तो ये मान लीजिए ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, तो ये ओ से मैंने बे वाली थ्योरम पता नहीं कितनी बार आप लोगों के साथ में डिस्कस करी होगी, ठीक है। तो ये इसी का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो आप देखो जैसे ए से लेकर इस पॉइंट तक कितना हो गया अभी x प्लस 6 और इनटू कितना हो गया बताना इनटू 2 बराबर होगा किसके 6 इनटू 6 के यानी 2 से 3 टाइम्स, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और ये कितनी आ गई 12, मतलब जो आपकी ए एन की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी 12। बड़ा कमाल का क्वेश्चन था और बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, समझ रहे मेरी बातें। देखो क्वेश्चन आसान ही होते हैं सारे, बस आप उनका लॉजिक समझ जाओ तो सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। एक बार जब सोल्व होने लग जाए, सारी चीजें आने लग जाए ना, तो सारी चीजें आसान होती चली जाती है, नहीं आए तो मुश्किल होती चली जाती है। अब ये क्वेश्चन देखो आपको कितना खूंखार सा क्वेश्चन लग रहा होगा भाई, इधर सर्कल बनाए ये वो फलान फलान,
लेकिन बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम से लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो कैसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए एम इक्वल टू टू है, चलिए ए एम को टू लिख लेते हैं, और बी एच इक्वल टू फोर है, बी एच फोर लिख लिया, एस सी इक्वल टू फाइव है, एस सी मैंने फाइव लिख लिया। तो टेंजेंट आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट 80 टेंजेंट की लेंथ बताओ। चलिए भाई इसकी लेंथ डिस्कस करेंगे बाद में, आप ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, और ये भी 90 डिग्री का, एग्जाम में साफ साफ लिखा होगा, ठीक है 90 डिग्री का एंगल है। मैं आपसे कहूं कि ये एंगल मान लीजिए इसका थीटा है, मैं ज़ूम कर लूं कि इस 90 डिग्री वाले, इसको थोड़ा सा इधर निकाल के मैं पूरा सोल्व कर देता हूं। यहां से मान लीजिए ट्रायंगल आपके पास में कौन सा, बी ए, और आपके पास में सी है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताना ये पूरे, ये भी 90 था, तो ये कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 तो बताओ ये भी कितना होगा थीटा, यानी ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बन गया, तो आप बोलेंगे थीटा। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं भाई, मैं ट्रायंगल बात कर रहा हूं ए बी एच और ट्रायंगल ए बी सी की, ये दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है यानी सिमिलर हो गए। जैसे ही देखो ये क्या हो गए, 90 थीटा और 90 माइनस थीटा हो गए ना, तो यहां से आप देखना इस वाले में आपके थीटा के सामने कितना है, छोटे वाले में ए बी एच में थीटा के सामने है 4, तो आप क्या लेंगे थीटा के सामने 4, उसमें थीटा के सामने देखो जरा क्या है, तो बड़े वाले में थीटा के सामने है ए बी इक्वल टू, इसमें मुझे बताना 90 के सामने कितना है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें 90 के सामने है ए बी, चलिए ए बी, और उसमें 90 के सामने कितना है, उसमें बी सी 90 के सामने है, जो 4 + 5 यानी कितना हो गया बताइयो, 9 हो गया। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 × 4 = 36, तो उसका अंडररूट कितना हो जाएगा 6, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप क्या बोलेंगे ए बी 6 आ गई। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, देखो देखें इस क्वेश्चन को, आप इस ट्रायंगल में देखना एबीडी ट्रायंगल में आपको दिया हुआ था कि ये एंगल 45 डिग्री है, मुझे बताना ये एंगल भी कितना होगा, क्योंकि राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये भी 45 बनेगा, यानी ये एबी 6 है, तो ये पूरी एडी भी कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे ए से लेकर डी तक भी 6 ही होगी, लेकिन एडी 6 है बल्कि आपको एएम कितना दे रखा, तो आप क्या बोलेंगे एएम 2 दिया हुआ, तो बच कितनी गई 4 बच गई। अब आपसे पूछा था कि आप मुझे इस 80 टेंजेंट की लेंथ बताओ कितना होगा, आप ध्यान से देखो ना, तो इस ए पॉइंट से टेंजेंट है 80, तो आपको मैंने कितनी बार बता रखा है सर्कल वाली थ्योरम, 80 स्क्वायर बराबर क्या होगा ए से लेकर एम तक ए एम 2 और इंटू ए से लेकर डी तक ए डी, जो कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ से 80 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 का अंडर रूट, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 2√3, यानी 80 की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। बताओ आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए तब जाके, आपको सारी बातें क्लियर है ना, तो फिर भाई आपको क्वेश्चन सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। और कभी भी आप ज्योमेट्री में ध्यान से समझो ना, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि 2-4 बेसिक थ्योरम्स के अलावा कुछ भी यूज नहीं होता है, जो बेसिक बातें आप लोगों को पता है ना, उनके अलावा कुछ बातें यूज नहीं किए मैंने। आप देख लो मैंने कोई हाई फाई थ्योरम्स नहीं लगाए ज्योमेट्री में, भाई ये फलाना फलाना ऐसे नहीं, बिल्कुल बेसिक थ्योरम जो आपको सबको पता है वही यहाँ पे यूज करिए, एक तो सिमिलरिटी और एक मैंने देखो 45 45, दोनों एंगल बराबर तो साइड भी बराबर, कितने इजी इजी से थ्योरम है, ठीक है। तो चीजें लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, आप समझोगे ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, चलिए ये क्वेश्चन देखो जरा भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा रखा है, एक क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे की मैं सीरीज डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन से आधारित इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किया था, और इसके जो क्वेश्चन था इसका भी मैंने आंसर आप लोगों को बता रखा है, तो उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई वहां से इस क्वेश्चन को देख लेना, पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें फिर इसका सोल्यूशन देखें। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन था इतना बता दूं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका, आप उसको जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक ये क्वेश्चन है भाई, ये किसी स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था, जो भी पूछता है मैं बता देता हूं, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी कोई स्टूडेंट मेरे से डाउट पूछता है मैं उसका आंसर जरूर बता देता हूं। तो ये किसी ने पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो देखो जरा क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी कभी इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्रायंगल आता है ना, कहीं भी ध्यान रखना इस बात का कि इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो उसे कंडीशन में
हमेशा ही मैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रेफर करता हूँ कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, इतना श्योर है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है, आप इनको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे सोल्व करते हैं वो मैं तब बताऊंगा जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा। उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों की ज्योमेट्री में जो भी अटकी पड़ी है सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व नहीं होना वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करो, वो बड़ा आसान होता है, आप समझ जाओगे जब मैं बताऊंगा। तो अब देखना जरा, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला पॉइंट खा है इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी सारे एंगल बराबर और सारी साइड बराबर, बहुत कुछ क्लियर कर देता है इक्विलेटरल आते ही। फिर क्या कह रहा है कि बीई इक्वल टू एसी, यानी ये 2 है तो ये 1 है, और सीडी इक्वल टू डीए, मतलब ये भी 2 है तो ये भी 1 है। भाई पहला पॉइंट आपके पास में दिया हुआ कि इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल यानी इस 2 वाली साइड के सामने अगर यहां पर थीटा एंगल बनाएंगे ना, तो यहां भी 2 वाली के सामने इधर कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इधर वाली 2 है तो इधर ये सब चीजें मतलब उसमें बराबर होती हैं। चलिए तो आप मुझे बताना है थीटा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 60 माइनस थीटा हो जाएगा। आप बताओ जरा ये एंगल कितना हो गया, तो थीटा 60 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम यानी कितना बन गया भाई, ये एंगल भी 60 बन गया। अब ध्यान से देखो, ये इस राइट एंगल का एंगल था कितना था 60 डिग्री। आपको एक बात यहां से समझ आई होगी, मैंने आपको बता रखा है कि ये एंगल 60 ये 60, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखो कैसे, चलो इसको ले लो आप, ये एंगल मुझे बताना कितना बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे पूरा एंगल बनेगा 120। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इस पर मैंने पता नहीं आपको कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ये जो ज्योमेट्री बताया मैंने आपको, सर्कल बताया था, सर्कल के बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करे थे वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मैंने डिस्कस किए हैं भाई। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि काफी इंपॉर्टेंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। जहां भी और भी बताऊंगा आप लोगों को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते ही क्वेश्चन कैसे इजीली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का तो आप ध्यान ही रखें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली तो बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है। तो ये एंगल 120 हो गया। अब चलिए भाई, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया यानी किसी ना किसी सर्कल पर ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो बना होगा। तो चलो भाई मैं सर्कल पर बना देता हूँ किसी पर, अगर नहीं बनाते ना तो आप ऐसे भी नॉर्मली भी देख सकते हैं, क्योंकि आसान होता है, ऐसे भी कोई बड़ा कहानी नहीं है कि आप लोग इसमें सर्कल पे बनाओ ही। ठीक है, तो सर्कल बनाने का कोई ऐसे बड़ा मकसद नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ ले लें ताकि सारी बातें आपकी क्लियर हो जाए। ये सर्कल पे इसको बना देना थोड़ा सा। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कल पे आ गया। अब देखो जरा, अगर ये सर्कल बन गया तो क्या होगा भाई, आप मुझे बताओ कि इस लाइन को मैं मिला देता हूँ इस लाइन को। ठीक है, और इस लाइन को जैसे मैं मिलाता हूँ, इसको मिला दूं, और इसको मिलाने से पहले एक बात देखता हूं मैं, मुझे एक बात बताना, ये DE जो लाइन है वो कितनी बनेगी, DE लाइन कितनी आएगी। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है, ये साइड 1 है और ये 2 है। तो आपको मैंने कोसाइन थ्योरम बता रखा है बड़े अच्छे से कि यहां से जो कभी भी कोई ट्रायंगल है, इस तरीके से मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो ये एंगल थीटा है और ये ए और बी साइड दी हुई है, तो आपको सी चाहिए। तो मैंने बता रखा है कि सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इनटू कोस थीटा। ये बात मैंने आपको बता रखी है बड़े अच्छे से, ये कोसाइन थ्योरम है। याद नहीं रहते तो मैंने बोला था कि मान लो ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, तो आपको पता है 90 होते हैं आप क्या कहते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां पे 90 होता है तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये वाला पार्ट 0 बन जाता है पूरा। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, इसलिए ये हट जाता है। आप इस पूरा सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आप याद रखो कि सी स्क्वायर बराबर मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इन दोनों साइड का मल्टीपल 2ab इनटू कोस थीटा। ठीक है, चलिए तो आप जैसे ये पॉइंट यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आप मुझे बताओ यहाँ से डी का स्क्वायर कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे डी स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 4 और 1 5 और माइनस 2ab यानी 1 इंटू 2 इंटू कोस 60 जो 1/2 होता है, तो कैंसिल हो गया, तो 3 यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई बताना, डी की वैल्यू आ गई आपके पास में √3। जैसे ही डी की वैल्यू √3 आए ना, तो आपको एक बात समझ आ गई कि इस ट्रेंगल में क्या बना हुआ है, 2 1 और √3, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, यानी ये जो ट्रेंगल है ना ये राइट एंगल ट्रेंगल है यहाँ से। ठीक है, और डी सी जो है ना वो इस सर्कल का डायमीटर है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है और डीसी इस सर्कल का डायमीटर है। आपको समझ आई बात? तो बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई ये पॉइंट, ध्यान से समझो इसको। ये 90 राइट एंगल कब होता है, 1:2 और √3 रेशियो तो आपको पता ना, 60:30 और 90 वाला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो मुझे बताना ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूँ। अब चलिए ये 30 हो गया, मैं इन पॉइंट को भी मिला देता हूँ। ये पॉइंट था ना यहाँ से, इसको भी मैंने मिला दिया। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को मिलाया ना, तो आप मुझे बताओ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, तो यहाँ से जो एंगल बना हुआ है ये कितना बना होता, बोलेंगे 30 डिग्री। तो मुझे बताना इधर भी कितना बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी 30 डिग्री बनेगा। यानी ये एंगल 30 आ गया, तो ये भी कितना आ गया, 30 डिग्री एंगल आ गया। आपसे क्या पूछा था, बी एफ सी एंगल, तो बी एफ सी ध्यान से देखो, बी एफ और सी वो टोटल कितना हो गया भाई, बी एफ सी 60 और 30 कितना होता है, ये वाला तो 60 अभी आपने निकाला था यहाँ से, और ये 30 और ऐड कर दीजिए, तो ये जो बी एफ सी आएगा ना वो कितना आ जाएगा भाई, 90 डिग्री आपका एंगल हो गया। खत्म है क्वेश्चन, आई मेरी बात समझ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अगर इस तरीके से सोचते हो तो आराम से सोल्व कर पाते हो, अगर कोऑर्डिनेट से करते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। राइट एंगल जब भी होता है ना, तब तो कैलकुलेशन नहीं होता है, क्योंकि हम राइट एंगल को 0-0 मान लेते हैं, लेकिन जब इस तरीके का होता है ना, तो थोड़ा सा इसमें ये अज्यूम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अज्यूम नहीं, हम जब इनको निकालते हैं ना, तो इनके सारे वर्टेक्स निकालने पड़ते हैं। ये दो तो मान लो मैं, ये 0-0 और ये तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये वर्टेक्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। और बाद में इसको सोल्व कर रहेंगे तो वो काफी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह निकाल के आपको सोल्व करना पड़ेगा, एंगल जो साइड के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं वो सारी बातें, ठीक है। लेकिन उतनी चीजें हम निकालने के बजाय, ये छोटा सा पॉइंट था जिसको भी तो हम कर सकते हैं इस तरीके से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए। कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे डिस्कस किए हैं, आप अगर देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन किस तरीके से मैंने कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताए, ठीक है। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा लगेगा, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना भी इसको भी। चलिए क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी ए पॉइंट ओ इज इनसाइड द ट्रायंगल वेयर एओ इक्वल टू ओसी, मतलब एओ और ओसी बराबर है एसए, ठीक है। एसए इसको ले लेते हैं थोड़ा सा कि एओ और ओसी ए बराबर है, तो और एक और क्या बराबर है इसके, एबी बराबर है, तो नाम ले लो इसको ए बी और सी, ठीक है। एबीसी मैंने इसका नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं नाम ले लेता हूं ओ, यानी आपको है क्या रखा है इस क्वेश्चन ने कि ये साइड है बराबर है, मतलब एओ और ओसी और एक ये कौन सा पॉइंट भाई, ए बी, ये तीनों साइड है बराबर है, ठीक है, ये बराबर हो गया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है कि एबीसी इक्वल टू 12 x, एबीसी ये वाला जो एंगल है ना वो पूरा कितना दिया हुआ आपको, 12 x दिया हुआ। चलिए और बाद में क्या दिया हुआ, एबीसी ओएसी, ओएसी ये वाला कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 3 x, और ओसीबी कितना दिया हुआ, ओसीबी ये वाला 2 x दिया हुआ। चलिए ये 2 x दे दिया। अब ध्यान से देखो, ये इतने तो दे दिए आपको, ये तो पता चल गया होगा कि ये साइड बराबर है 3 x, तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 x हो जाएगा। मैं इस लाइन को मिला देता हूँ भाई, ये मिला देता हूँ, आपको ये भी दे रखा है कि भाई ये दोनों लाइनें बराबर है, ये वाली और ये वाली, मतलब ये एंगल जितना भी होगा, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा भाई, अल्फा बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर है साइड। चलिए ये अल्फा अल्फा, तो मुझे बताना ये एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इस एंगल में अल्फा अल्फा, तो ये बनेगा 180 - 2 अल्फा, 180 - 2 अल्फा। इस इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी ट्रायंगल में देखो, सभी एंगल का सम करो जरा कितना आएगा, आप मुझे सभी एंगल का सम करके बताओ। तो ये एंगल सबसे पहले लेंगे तो बनेगा 12 x, और प्लस ये कितना बन गया भाई, यहाँ वाला 5 x, और प्लस ये कितना आ गया 3 x, और प्लस कितना आ गया 180 - 2 अल्फा, बराबर कितना आता है भाई 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बन गया भाई, ये यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आ गया 12, और ये 8 यानी 20 x बराबर 2 अल्फा, मतलब 20 x बराबर 2 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप क्या बोलेंगे, अल्फा की वैल्यू आ गई 10 x, मतलब मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आई ना वो आ गई 10 x। यानी ये जो लाइन है ना, ध्यान से देखो क्वेश्चन खत्म है, ये जो एंगल है अल्फा, ये मेरे पास 10 x बन गया। तो मुझे बताना ये एंगल कितना था पूरा का पूरा 12 x, तो ये कितना हो जाएगा 2 x। आपके पास इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भाई, इस ट्रायंगल में आप जैसे ही देखोगे ना,
तो ये एंगल 2x है, ये भी 2x है, यानी जितनी ये साइड है उतनी कौन सी साइड आएगी भाई, ये साइड, और उतनी कौन सी साइड आएगी ये साइड, उतनी कौन सी आएगी ये साइड, यानी आपके पास AOB ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ध्यान से देखो तो AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड बराबर, तो इक्विलेटरल मतलब ये जो एंगल होगा वो टेन एक्स वो कितना बनेगा 60 डिग्री। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 डिग्री, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, देखो कितना आसान और कितना अच्छा क्वेश्चन था, आसान तो नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हो तो आसानी से सोल्व हो जाते हैं, अगर नहीं समझते तो कई क्वेश्चन होते हैं काफी मुश्किल। इसको करने का और भी तरीका, मैंने और भी तरीके से सोल्व किया, लेकिन आप इसको ध्यान में रखें, ये काफी अच्छा है आप लोगों के लिए कि आप इजीली इसके एंगल का सम करके आप सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, इसको समझने की कोशिश करो आप लोग, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आओ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी ओ इज ऑर्थो सेंटर, ये लो भाई ऑर्थो सेंटर तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर है मतलब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं लंब के अंदर, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर यानी सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर डाली गई लाइन जहां पे कट करते हैं उसको क्या बोला जाता है भाई, तो आप क्या बोलेंगे कि उसी को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, जहां पे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर डालते हैं और उसी को क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो मैंने सबसे पहले सभी लाइनों से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए, चलिए भाई जैसे मैंने इसे परपेंडिकुलर डाला ना, आपको आगे पूछा क्या वो देखते हैं। देन फाइंड ओ ए बी, ओ ए और बी, ये एंगल आपसे पूछा था कि ये कितना आएगा, ये 40 अभी परपेंडिकुलर, ये देखो सारे परपेंडिकुलर है, तो ठीक है ऑर्थो सेंटर का मतलब यही होता है, तो परपेंडिकुलर डाल दो। आप मुझे बताना ये एंगल 32 है तो ये एंगल कितना होगा, तो आप जैसे ही देखेंगे कि ये एंगल 32 है तो ये कितना बनेगा भाई, तो बताना जरा कितना बनेगा, तो ये 90 है तो 90 में से 32 जाएगा तो कितना बन गया 58। ठीक है, चलिए ये एंगल 58 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये एंगल 40 है तो ये कितना बनेगा भी, तो आप क्या बोलेंगे ये एंगल 50 डिग्री बन जाएगा, सही बोल रहा हूँ, ये एंगल 50 बना, तो मुझे बताना ये एंगल कितना होगा, तो इसे एक स्ट्रेट लाइन पे, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे 180 एंगल बनता है, तो 50 और ये 58 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 108, और 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72, ये 72 तो ये भी कितना बनेगा अभी 72। अब ये एंगल 90 डिग्री है, आप मुझे बताओ ये एंगल कितना आएगा, तो 72 तो ये भी इन दोनों का सम 90, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो ये कितना आ गया अभी 18 डिग्री, और आपसे यही पूछा था कितना आएगा 18 डिग्री, खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत आसान सा और लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ आए होंगे, ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ये मेरे से डाउट्स में पूछे गए हैं, या फिर कोई जो क्वेश्चन है वो या तो ये डाउट में पूछे, कोई स्टूडेंट है जो डाउट्स में पूछ लेते हैं मेरे से क्वेश्चन, अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन है कई बार मैं क्रिएट करने बैठता हूँ क्वेश्चन, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रिएट, कहीं ना कहीं से मेरे पास क्वेश्चन तो आते हैं, जो अगर उनमें से कोई क्वेश्चन अच्छा होता है उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं बहुत कम डिस्कस करता हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद से पढ़ो, उनको आप खुद सोल्व करो, आप उनको खुद सोल्व कर सकते हो, अगर आप यहां से सारे कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे ना तो आपको वो क्वेश्चन लॉलीपॉप लगेंगे। ठीक है, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन जो एग्जाम में या प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो आपको बिल्कुल लॉलीपॉप लगेंगे, आप उनको ऐसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप को अच्छे से प्रेफर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये आज की आप लोगों की क्लास थी, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए, इसको आप घर से सोल्व करें, ये देखो ये वाला बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, और जरूर अगर किसी का आंसर अगर आप दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी कम ही स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं इस तरीके का, लेकिन फिर भी अगर आप आंसर बता पाते हो तो बहुत खुशी होगी भाई मुझे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और भाई आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे मैं PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन आप अगर पूछो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और फेसबुक पेज भी आप लाइक कर लीजिए। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।